तो तुम वोट मांगने कैसा हमारे यहाँ आते हैं कि हमको वोट देना? बता रही क्या? मैंने तो सूरत नहीं देखी। सूरत नहीं देखी मैडम? कितने साल से? मैं 8 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। यहाँ के वार्ड मेंबर सिर्फ और सिर्फ चाय नाश्ते की पूर्ति आते हैं और ये घर का पानी पूरा बंद करो, पूरे गटर जाम हो गए। तुम मोदी चोर है, गले गले में चोर है, मोदी चोर है। हमारा कोई सुनता ही नहीं, वहाँ जाते तो सरकार है जी। सरकार है ना? हाँ। तो सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। ये तो राहुल गांधी वो अच्छा था, वो अच्छा था। विकास के नाम पर थूक पॉलिश करने वाली भाजपा सरकार की पोल अब खुल चुकी है। ये हम नहीं, ये खुद कह रही है पूर्व नागपुर की जनता। समाज सेविका संगीता ताइतल मले पिछले 21 दिनों से बदलाव यात्रा कर रही है, उन क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं जान रही है जहां वर्तमान सरकार पूछने तक नहीं जाती है। इस दौरे के दौरान हमारी कारण न्यूज की टीम भी शामिल हुई, जहां कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनकी समस्याएं सुनकर हमारा भी दिल रहम खा गया। नमस्कार, कारा न्यूज की टीम पहुंची है आदिवासी कॉलोनी प्रकाश नगर एरिया, जो कि आता है पूर्व नागपुर एरिया में। हम आपको बता दें कि इस एरिया में जितनी भी गली में हम लोग घूमे हैं, उस गली में गंदगी का अंबार तो है ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल इस बस्ती की 12 साल की बच्ची इस गंदे पानी से जो निकल रहा है, यहाँ का गटर का पानी है, उसे पीलिया से उसकी मौत हो गई है। आखिर कौन है इन सबका जिम्मेदार? इनका कहना है कि बार बार हम नगर सेवक को, प्रशासन को, विधायक को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं आता, तो क्यों ऐसा? आइए, क्या क्या समस्याएं हैं बताइए। रोड गटर, ये बहुत गंदगी है, जमाने से बोल रहे पर सुनवाई हमारी कुछ नहीं है मैडम। अरे 12 महीने गटर भरे है, रोड कैसी गंदगी है, और अनाज का हमारे अनाज भी कम हो गया, कंट्रोल कर, एकदम महंगाई भी बहुत है, बिल उतना आ रहा, रोड नहीं है। उन्होंने जायजा लिया पूर्व नागपुर के चिखली लेआउट में बसा हुआ आदिवासी प्रकाश नगर का, जहां सड़क की गंदगी और गटर लाइन की भीषण समस्या है। इस गटर के गंदे पानी से मच्छर और अन्य जंतु जानलेवा साबित हो रहे हैं। हाल ही में एक बच्ची की मौत हुई तो एक जवान शख्स ने भी डेंगू से जान खो दी। और क्या क्या चाहते हैं फिर मोदी सरकार के राज में भी आपको कोई फायदा नहीं मिला? आप पूर्व नागपुर से हमारे आमदार जो है संगीता ताइतल मले, इनकी एक बदलाव यात्रा शुरू हुई है जो 21 दिनों से लगातार लोगों की समस्याएं जो है सुन रही है। एक महिला होने के नाते आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? वीडियो भी है, हमने वीडियो भी बना के रखी, गटर का पानी गालों में घुस गया। तो किसको दिखाया आपने? तो देखने वाला ही कोई नहीं आया ना, इसीलिए। क्यों, इस एरिया में कोई भी विधायक नहीं है? है, शायद आए चाय नाश्ता करने के लिए आते हैं। जिसको हमारी सुविधा नहीं करे, जिसको गाली भर दे, घर में पड़े मच्छर हो गए, हमारे को तो झक के कोई नहीं देखते, अनाज पानी हम झक के उनके घरों में जाके बोला आओ हमारे घर में कंडीशन देखो, तो भी कोई नहीं आके देखे। आए थे चाय नाश्ता
प्रकाश नगर के एरिया के लोगों का कहना है कि यहाँ वार्ड मेंबर तो है लेकिन यहाँ के वार्ड मेंबर सिर्फ और सिर्फ चाय नाश्ते की पूर्ति आते हैं, और ये हम नहीं बल्कि यहाँ के नागरिकों का खुद कहना है कि वो सिर्फ चाय नाश्ता करने आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अभी तक किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वोटिंग के लिए हर बराबर हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं। और भी कई लोग हैं जो बीमार हुए हैं लेकिन संबंधित जनप्रतिनिधियों के कान में जू तक नहीं रेंगे। विकास के नाम पर सिर्फ चुनाव के समय में उनसे वोट लिए जाते हैं लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर समस्या के लिए टालमटोल जवाब दिया जाता है। जब संगीता ताई ने वहाँ के लोगों से बात की तो किसी का गुस्सा फूटा तो किसी की आंखें नम हुई। बेहद ही दिल दहला देने वाला वो मंजर था जिसके गवाह हम खुद बने हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट में। हमारी कैटेगरी में जाते हैं, हम लोग भी वोट देने नहीं जाएंगे, और वोट देने नहीं जाए तो क्या सब चीज के लिए बंद कि आपने तो वोट नहीं दिए है तो आपका खाता बंद, तो ये बंद सब चीज का प्रोसेस यही रहता है। ऐसा प्रोसेस होता है मैडम कि अगर वोटिंग कार्ड अगर वोट देने नहीं जाओगे तो स्पेशल आ जाता है ना कि वोटिंग ना करने जाओगे, बहुत प्रॉब्लम। कम करो जी, यही समस्या के है। क्या चाहते हैं आप? महंगाई कम करो। बिजली का बिल 1200 आ रहा है, 1200 सिलेंडर जा रहा है, बिजली का बिल तो मनमानी आ रहा है, मनमानी बिजली। तो हम गरीब आदमी हम क्या पेट भरे क्या बिजली बिल भरे। आपको पता है पूर्व नागपुर से संगीता दाई तलमले की बदलाव यात्रा शुरू है जो पिछले लगातार 19 दिनों से डेली जो है वो पद यात्रा कर लोगों की समस्याएं जान रही है, तो क्या लगता है आप लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें? सपोर्ट करेंगे लेकिन उन्हें भी हमारे लिए करना चाहिए। हमारे लिए भी वो सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए हम भी सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, इस बदलाव यात्रा का मेन मुद्दा ही ये है कि अब तक जिन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे थे वो सारी समस्याएं सॉल्व करने के लिए संगीता ताई तलमले की इस बदलाव यात्रा को हमने लाया है, और हम लोग चाहते हैं कि एक महिला ही महिला की समस्याएं जो है अच्छे से समझ सकती है। तो शायद एक बदलाव यात्रा का एक बहुत अच्छा सुंदर नजारा आप देख सकते हैं कि पिछले 19 दिनों से लगातार संगीता ताई तलमले जो है वो पैदल यात्रा कर लोगों की समस्या जान रही है। संगीता ताई, जैसा कि अभी तक हमारी टीम जो है कारा न्यूज की इस एरिया में पहुंची है, इसको आदिवासी एरिया बोलते हैं प्रकाश नगर का, तो गटर पानी नाले सभी चीजों की समस्या है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के विधायक सिर्फ बड़े लेवल के लोगों के घर पे आते हैं, प्रॉपर चाय नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं, इन लोगों की तरफ कोई भी नहीं देखता, तो ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो आप जानते हैं 21 दिन से इनकी प्रॉब्लम जानने के लिए हर बस्ती में जा रही हूँ, इनकी सब समस्या जान रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई अब इलेक्शन के टाइम आए, इसलिए मेरा मुद्दा ये, मैं एक एज ए समस्या होने के नाते इनकी प्रॉब्लम जानने हूँ, जितना मेरे से हो सके मैं इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, लेकिन सभी मैं बदलाव नहीं ला सकती, उसके लिए मुझे पावर चाहिए, तो आपका सपोर्ट जरूरी है, तो आप मुझे सपोर्ट दोगे तो सही में आपकी सभी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश। पहले तो हमारी प्रॉब्लम है कि गटर लाइन सही स्वच्छता ये इल रोजगार में दिल दूर हो करनार 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 बदलाव संगीता ताई करनार। बराबर साल में कोई बदलाव देखा आपने? कुछ भी नहीं बदलाव हुआ। कोई संबंधित लोग आए हैं? नहीं, हमको कोई पूछने भी नहीं आया, नहीं कोई पूछने नहीं आया। यहाँ तो सबके कितने घरों में बेचारे का कितना नुकसान भी हो गया, जब अभी पानी गया था 15 दिन पहले नहीं गया, तब हमको कोई भी पूछने नहीं आया कि तुम्हारी क्या समस्या है, क्या नुकसान होगा। यहाँ पे तो सब हाथ मजूर रहते, इतने तो पैसे वाले रहते नहीं कि तुरंत हम लोग कुछ कर पाएंगे। आना चाहिए उन्होंने, उम्मीद आपको सरकार से थी, रहेंगे इतना मैम। जब तुम वोट मांगने कैसा हमारे यहाँ आते हैं कि हमको ही वोट देना, इसको नहीं देना, वो पार्टी को नहीं हमको ही देना, और बाद में बोलते कि थोड़ी ना तुम लोग वोट थोड़ी ना तुम देते, हम तो हमारे एरिया से चुन के आते, फिर आते काहे को यहाँ पे वोट मांगने, जब आप अपने एरिया से चुन के आते ना तो हमारे दरवाजे में मत आओ। नहीं तो देखेंगे कहाँ से? नगर सेविका आई है कभी मोहन नगर में? बता रही क्या, मैंने तो सूरत नहीं देखी मैडम। कितने साल से रह? मैं 8 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। 8 साल से रह रहे हैं, सूरत नहीं देखी मैंने उनकी, क्या कौन सी नगर सेविका है, इन लोग से पूछो तो इन लोग भी बोलते आते ही नहीं, तो वो भी कहाँ से देखेंगे। तो आप लोगों की जो इतनी सारी समस्या रहती है उसका फिर क्या होता है? तो क्या करते हैं हम लोग, 3 बार चप्पल घसते हैं, फिर ज्यादा होता है तो खुद ही पर्सनल बुला के काम करवाते हैं, और क्या करेंगे उसके अलावा? और कुछ करते ही नहीं है।
क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे गटर लाइन की तो सबसे पहले समस्या थी, दूसरी बात रोड की समस्या है जी। हाँ तो वो ना कोई काम के लिए आते नहीं है, जिसका यहाँ पे सिक्का जबरदस्त है उसकी चलती है, बाजू में है वार्ड मेंबर वाला, उनके साथ में तुम्हारे जैसे साथ में रहता है तो उसने अपनी गली बना लिया। बाकी की तरफ ध्यान नहीं, बाकी की गलियाँ सड़ी है तो सड़ी रहो, जाके देख लो आप पीछे की गली में, अभी 6 महीने भी नहीं हुए बनने को, उनकी शादी थी। मतलब जो पहचान वाले उन्हीं का काम होता है, बाकी का किसी का काम नहीं होता। सर्व सामान्य लोगों की कोई पूछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस वोटिंग के लिए आओ, वोट लेके जाओ, गरीबों का मत डालो और कोई बात नहीं। अब क्या चाहते हैं, आगे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए अब देखो, आए हैं तो ये जीत के क्या करते हैं, उन्हें तो कर लिया अपना इतने सालों से, 8 सालों से। अब बदलाव की उम्मीद है? वही तो बोल रही ना दीदी से, बदलाव है, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, जब इतना लोगों की सुनेंगे सुनाएंगे तो उनके दिल में तो रहम आएगा, मगर वो तो आए नहीं तो रहम कहाँ से आएगा, सुनेंगे तकलीफ तो तभी रहम आएगा, बिना सुने किसी की रहम नहीं आता दीदी। कोई भी चुनके गरीबों की तरफ ध्यान दो बस, पूरे मच्छर से हम लोग घर में मर रहे हैं, अच्छी बात है क्या? आंटी ये बताइए जो गटर का पानी बारिश में ही होता है कि पूरे टाइम होता है? 3 साल हो गए ये गटर का पानी चालू है, कोई इधर आते नहीं, नगर सेविका आती है देखती है चली जाती है, कुछ काम नहीं करती। आपने बताया कि गटर के पानी की वजह से आपके घर में बहुत सारे मरीज पेशेंट बन गए, पूरे इधर डेंगू मच्छर के ऊपर का लड़का मर गया, एक बच्चे का बाप मर गया, तो भी केयर नहीं कर रहे हमारी इधर, फिर अब कैसा करेंगे, मरेंगे अब हम लोग। तो आप लोगों ने इसका प्रॉब्लम क्यों नहीं बताया किसी को? अरे बार कितने बार हो गया कंप्लेंट, कितने बार कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जा जाके कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे नहीं हमारे, अब क्या करेंगे आप लोग, अब मरेंगे अभी वही से जाएंगे, यही बात बची है और क्या करेंगे, क्या मांगे आपकी सरकार से, क्या करेंगे, मरना चाह रहे हैं, अब सुधार नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, तो सुधारने के लिए आपको बोलना पड़ेगा ना। अरे तो कितने बार जा रहे हैं, कितने बार जाऊंगे हम लोग, जा जाके परेशान हो गए हम लोग, तो कुछ काम नहीं कर रहे, वो भी बच्चे हम तुम्हारे तरफ से चुन के नहीं आए, चुन के नहीं आए, फिर वोटिंग काहे के लिए आती है तू, आए मत इधर। परेशान है कि उनका कहना है कि इस सामने वाले घर में एक व्यक्ति जो है वो डेंगू से जो है उनकी डेथ हो चुकी है, इवन इनके भी घर में जिनसे हमने बात की है उनके घर में 2 से 3 पेशेंट जो है वो डेंगू के है, खुद आंटी ने हमसे बात करते हुए बताया कि वो भी जो है बहुत बीमार है, और आप देख सकते हैं कि इनके घर के सामने में जो है ये पिछले 3 सालों से होता, और इनका कहना ये तक है कि सरकार को अब बस हमारी डेड बॉडी लेकर जाने का इंतजार है। स्वच्छता ये इल रोजगार में दिल दूर हो करनार 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 बदलाव संगीता ताई करनार ये उधर से हाथ जोड़ा लियोगे आप ये कड़ा फवारनी मारती ना औषध मारने से तो ये क्या फवारनी मारे मैडम तो भी क्या ना पाई मैं नहीं मारूंगी फवारनी मारने से सेपरेट आए तुम्हें सांगितलं समस्या सगळी आहे की येऊन बात नाही म्हणते ते नाही आता हे इतकी गर्दी आपली फेरायला सजावी बदलू आम्ही फिरून राहिलो आज 21 दिवस झाले मी फिरून राहिली प्रत्येक तुमच्यासारख्या लोकांची समस्या झाल्यासाठी हे लोक तर येऊन पाहून नाही राहिले नाही याच्यासाठी बदलाव करणार ना पडेल आपण नाही करावंच लागेल ना सपोर्ट कराय कारा न्यूज की टीम पहुंची है आदिवासी कॉलोनी प्रकाश नगर में, जहां पर यहां पर अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की तो सबकी समस्या लगभग एक भी है कि पिछले 10 से 15 सालों से इस क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं हुआ, इवन बारिश के सीजन में भी यहां पर कोई भी विधायक जो है वापस पलट कर यहां नहीं आया। कई परिसर के नागरिकों से चर्चा की कि इस बार जो है डेंगू का प्रकोप चिकनगुनिया जो है इस एरिया में बहुत देखने को मिला। आज हमारे साथ जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं वहां की महिलाओं का कहना है कि पिछले 20 सालों से हम वो यहाँ रह रहे हैं लेकिन किसी भी तरह की कोई बुनियादी सुविधाएं जो है हमें नहीं मिली है। आइए जानते हैं उनकी समस्या उन्हीं की जुबानी। हमारी आज छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, हमारे अच्छे से आओ हमारे कार्रवाई करो और तुम्हारे को सब हमारे सुविधा सब दे रहे हम तुम है कि नहीं, हमारे तरफ देखो गरीबी से कोई लखपति नहीं है, हम भी छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, मच्छर है गटरों का पानी संडास का पानी पूरा बाहर निकल के आ रहा है, कहाँ तक के सबके पास गए जिले तक के गए हम तो बोले तुम्हारे कार को उधर जाओ कॉर्पोरेशन में जाओ, कुछ भी नहीं करते हमारे टाल मटोल जवाब देते सब तरफ गए
कितने साल से रह रहे एरिया में? कितने सालों से रह रहे? अभी हो गए हमको 20-25 साल। क्या हो गया आपको? बारिश में क्या प्रॉब्लम हो गई? हाथ हाथ बारिश में पानी भर गया तो वहाँ तक के स्लिप हुआ। मैं स्लिप हुई यहाँ पे। हाथ दिखाई तो किसी ने पूछा आके? नहीं नहीं कोई नहीं आया हमारे तरफ। क्या समस्या है? क्यों क्या समस्या है? हमारे अब पैरों की वजह से मैं ज्यादा चल नहीं सकती हूँ तो स्लिप हो गया मेरा पैर, तो हाथ में लग गया। तो कब आए कोई पूछने के लिए? नहीं आए, वो आए थे ऐसी देखते हुए गए, फिर कुछ नहीं बोलिया। लेकिन रास्ते प्रॉपर नहीं है जैसे होने नहीं है। हाँ, तो हमारे हिसाब से रास्ते अपने सीमेंट रोड गिन बन जाए तो जनता को थोड़ा अच्छा हो जाता है। कैसा लगेगा अगर पूर्व नागपुर में एक महिला लीडर काम करेगी? अच्छा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, खुश है। हाँ खुश रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। पर हमारे लोगों की जो 2-3 प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2-3 प्रॉब्लम है अपन लोगों की, जैसा कि रोड हो गया, ये नाले के बारे में हो गया, जैसा मच्छर वच्छर आते हैं उसका ये होने को ना, और लाइट बिल की, जैसा गरीबों की बस्ती है थोड़ी सी तो लाइट बिल का थोड़ा। अगर कॉलोनी में जैसा कि पता चला है कि डेंगू के लिए कोई भी फॉगिंग मशीन नहीं आती और यहाँ जगह जगह जो गड्ढे हैं, पानी है, तो किस तरह से समस्याएं आपको आती है? मैम 4-5 साल से गड्ढे खदे गए, रोड बनाएंगे करके अभी तक रोड भी नहीं बनाया किसी ने, और बारिश आती तो और पूरा कीचड़ हो जाता, और कोई कोई गाड़ियां भी बहुत स्लिप हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाते कभी कभी। कोई नहीं देखे, कोई नहीं। और मेरे घर में भी नाला नजदीक है, मैं तो मेरे हस्बैंड को टाइफाइड हो गया था, मेरे बेटे को डेंगू हो गया था नाले के वजह से। इस प्रॉब्लम की कोई शिकायत नहीं करी? शिकायत कर रहे थे मैडम सरिता कावरे से, क्या नाले में कुछ यानी कि डालो दवाई वगैरह जो मच्छर मर सके, तो उनने कुछ भी ध्यान नहीं दिए। अच्छा। हम बाहर गाँव से यहाँ रह रहे, काहे के लिए कि 2 पैसा मिलना चाहिए, इतना महंगाई है, और मोदी को बोलती मैं गाली देती उसको। हमारा ये था राहुल गांधी, वो अच्छा था, सस्ता था, सुंदर था, लेकिन जब से मोदी आया उसने गाना क्या चला, काला धन निकालो, ये करो वो करो, उसके महंगाई कितनी बढ़ गई, गरीब लोग मरेंगे क्या? हाँ, गरीब लोगों को घर नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, सिलेंडर निकला, ये वो निकला, बहनों का योजना निकला, लेकिन हमको क्या मिला? गरीबों को नहीं मिला हमको कुछ भी। मैं तो बोलती हूँ मोदी छोर है, गले गले में छोर है, मोदी छोर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहाँ के लोगों से हमने आपको रूबरू करवाया है, वो इलाका है पूर्व नागपुर के चिखली लेआउट के में बसा हुआ प्रकाश नगर का जो है आदिवासी एरिया है। यहाँ पर लोगों को अनगिनत समस्या है, इतनी है कि उनकी ऊंची आवाज़ से आप समझ सकते हैं जितना आक्रोश उन लोगों ने बताया। कई लोगों के आंसू छल के उनका दर्द इतना है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर पाए, तो उन्होंने किसी का गुस्सा फूटा तो किसी के आंसू निकले। कई इतनी समस्याएं हैं जिनकी जो है समाधान हम सर्वसाधारण सामान्य तरीके से हम जो है नहीं सुलझा सकते, तो उसके लिए जो यहाँ के नागरिक है इनके साथ की ज़रूरत है। इनके साथ को हासिल करने के लिए संगीता ताई तलमले पिछले 21 दिनों से जो है सड़कों पर पैदल बदलाव यात्रा के जरिए चल रही है, लोगों के घर घर जाके उनकी समस्याओं को सुन रही है और सुलझाने का वादा करते हुए वो आ रही है। तो किस प्रकार से यहाँ के लोग जी रहे हैं, निवास कर रहे लोगों से हम जानेंगे। क्या नाम है आपका भाई? रफीक खान। कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? यहाँ तो 25 साल। 25 साल में क्या तब्दीली आई, क्या बदलाव हुआ यहाँ पे, कौन सी परेशानियाँ हैं? मैडम परेशानी तो आ रही मगर बदलाव कुछ नहीं है। कितनी परेशानियाँ यहाँ पे? वाह परेशानी की मत बोलो, परेशानी ऐसा दिखे रहा आप लोगों को, सब घर नहीं है, मकान नहीं है, प्लाट नहीं है, प्लाट है तो उनको पट्टे नहीं मिल रहे, रहने का सुविधा नहीं है, फिर बारिश में पानी आ जाता तो घरों में पानी घुस जाता, नेताओं के यहाँ जाते रोड नहीं है अच्छे से, सड़क नहीं है, कुछ नहीं मैडम, बच्चे बीमार पड़ते हैं, मच्छर यहाँ पानी जम जाता। हमने सुना भी कि 15 साल की एक लड़की यहाँ पर मर गई गंदगी की वजह से। हाँ गंदगी की वजह से, सामने अभी कल परसों बेचारे की मैयत हुई, घरों में इतनी गंदगी, परेशानी, पानी आ जाता घरों में घुस जाता, जाते लोगों के पास कुछ भी। वो जनप्रतिनिधि जो अपने महल नुमा घरों में रह रहे हैं उन्हें क्या पता कि गंदगी किसी की जान भी ले सकती है। यहाँ पर काफी गलियों में हमने यहाँ पे मुआयना किया तो पता चला कि किसी की जान गई है, किसी को डेंगू हुआ है, कोई अभी एडमिट है, तो किसी के हाथ टूटे हैं पानी में फिसल के। बहुत सारी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका हम देख देख कर जो हम थक गए, हम कह सकते हैं एक तरीके से अनगिनत समस्या इस पूर्व नागपुर क्षेत्र में है, जिसको बदलने के लिए कमान संभाली संगीता ताई तलमले ने, जिन्होंने आशा व्यक्त की यहाँ के लोगों से कि वो भी उन्हें सहभाग देंगे और किस प्रकार से पूर्व नागपुर की
तस्वीरें बदलेंगे। संगीता ताई तलमल की इस बदलाव यात्रा में जो है हम देख सकते हैं। ₹15,000 का बिल हमारे को दे दे रहा, हम इतना कहाँ से भरना मैडम, घर भी नहीं बना बना के दिए सरकार। मैं आपके साथ में बदलाव लाना जरूरी है, हमारे साथ देंगे, हमारा साथ देंगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, जरूर साथ देंगे, हम किसी का भी साथ देने वाले। मैं ये तेली ये गली से काम कर ये काम से प्रॉमिस वाहणार नाहीत, भंडेवाळी कचरा मुक्त होऊन जाईल। बदलाव यात्रा मध्ये सर्वे या आणि आमच्या सोबत म्हणा, करणार 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 बदलाव संगीता ताई। 15 साल पहले उनको पुनर्वसन के नाम पे यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, उसके बावजूद भी टीन के शेड में ही 15 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, और उसके बावजूद भी कितनी सारी समस्या ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं। गटर लाइन की हो गई है, रोड की अवस्था दुरावस्था हो गई है, उसके बाद भारी बारिश के बाद में जो इनके घरों में पानी घुस रहा है वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इनको इस प्रकार के घर पुनर्वसन के नाम पर दिए गए जहाँ पर इनका रोज़ रहना भी काफ़ी मुश्किल है, तो बारिश के दिनों में और भी ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। इसके बावजूद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, नगर सेवक है, किसी का भी यहाँ पर ध्यान नहीं है, उनका नजरअंदाजी रवैया इन लोगों को बड़ी बड़ी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। उसके चलते तो ढाई ढाई तीन तीन एक एक महीने का तीन तीन ढाई ढाई बिल आता है। पुनर्वसन के टाइम पे क्या बोला गया था कि किस प्रकार से घर में आपको शिफ्ट किया जाएगा, और टीम के शेड में आप रह रहे हो कितने साल से? आप 15 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देते गरीब लोग को। स्वच्छता ये इल रोजगार में दिल दूर हो करणार 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 बदलाव संगीता ताई करणार 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 बदलाव संगीता ताई करणार। पंद्रह से बीस साल से यहाँ पर रह रहे लोग जो घरकुल के लिए कई बार आवेदन कर चुके हैं, उनको सरकार ने अब तक जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं दी है, किस प्रकार से उनकी जो कट रही है यहाँ पर जिंदगी, वो पूछेंगे हम उनसे। ले भी आते हैं, क्या बताना चाहेंगे हम, क्या समस्या आपकी? हमारे को घरकुल होना है और हम डिमांड भरने के लिए तैयार है। पैसे कितने बार इसके लिए आपने ट्राई किया? हमने बहुत बार किए, 4-5 बार किए तो कुछ भी नहीं आया, रिस्पॉन्स कर देंगे ये बोल रहे सिर्फ। क्या चाहते हैं आप? घरकुल होना है हमारे को और डिमांड भी भरने के लिए तैयार है हम। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम लोग हो गए अभी 19 साल हो गए। 19 साल से इतने बार आवेदन करने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ? नहीं हो रहा। अब चाहिए बदलाव? हाँ बदलाव चाहिए। काम करेंगे इसके लिए? स्वच्छता ये इल रोजगार में दिल दूर हो करणार 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 बदलाव संगीता ताई करणार 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 बदलाव संगीता ताई कर।